क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 10.2 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ आर साइन थीटा प्लस फाइव और आर साइन थीटा माइनस फाइव. जो उसने एक्सप्रेशंस दी हुई हैं उनको आपने इस फॉर्म में बदलना है. किस फॉर्म में बदलना है? आर साइन थीटा प्लस फाइव की शक्ल में बदल दे सवाल को, या फिर आर साइन थीटा माइनस फाइव की शक्ल में आपने बदलना. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ दिस, इन दोनों में से किसी एक शक्ल में आपने उसको बदल कर दिखाना है. जबकि वो बता रहे हैं वेयर टर्मिनल साइड्स ऑफ द एंगल ऑफ मेजर थीटा एंड फाइ आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो पहला पार्ट यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे. पहला पार्ट क्या है जी? 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा. 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसको बदलना है आपने किस फॉर्म में? आर साइन थीटा प्लस 5 की शक्ल में, या फिर आर साइन थीटा माइनस 5 की शक्ल में बदलना. तो बड़ा आसान सा काम है. पोलर कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स. जो साइन के साथ कोफिशियंट है, साइन के साथ कोफिशियंट क्या नजर आ रहा है आपको इस वक्त? 12. इसको आपने पुट कर लेना है. पुट 12 इज इक्वल टू आर कॉस 5. आर कॉस 5 जो साइन के साथ कोफिशियंट होगा उसको हमेशा किसमें बदल देंगे, किसके इक्वल पुट कर देंगे? आर कॉस 5. और जो कॉस के साथ कोफिशियंट होगा, जो कोफिशियंट कॉस के साथ होगा जिस तरह यहां पर 5 लिखा हुआ है, इसको पुट कर लेंगे आर साइन 5. आर साइन 5. तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं और सब्स्टिट्यूशन के लिए बता रहा हूं कि आपने याद रखना है कि जो साइन के साथ कोफिशियंट होगा उसको हमेशा पुट करना है किसके साथ? किसके इक्वल? आर कोस 5. और जो कोस के साथ है उसको आर साइन 5. यहां पे कोस साइन के साथ क्या था? 12. उसको पुट कर दिया आर कोस 5. और जो कोस के साथ था 5 उसको पुट कर दिया आर साइन 5. उलट है, साइन के साथ आर कोस 5 और कोस के साथ आर साइन 5. ये पहली इक्वेशन को 1 का नाम दें और दूसरी इक्वेशन को 2 का नाम दें. अब मुझे बताएं जरा, ऊपर अगर मैं इनको पुट कर दूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनेगा? 12 की जगह क्या लगेगा? आर कॉस फाइव और आगे क्या है? साइन थीटा. प्लस 5 की जगह क्या लगेगा? आर साइन 5 और आगे क्या है? कॉस थीटा. अब जरा मुझे बताएं, आर दोनों के पास कॉमन है, आर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? साइन को पहले लिख रहा हूं, कॉस को बाद में लिख रहा हूं. साइन थीटा कॉस 5, साइन थीटा कॉस 5 प्लस कॉस थीटा साइन 5, कॉस थीटा साइन 5. तो बेटा ये फॉर्मूला नहीं बन गया साइन अल्फा प्लस बीटा का? कैसे? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. तो ये सारा फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा. ये सारा फॉर्मूला होता है किसका? साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा. ये आर मैंने वैसे लिखे. तो मुझे बताओ, क्या मैंने अपने क्वेश्चन को आर साइन थीटा प्लस 5 की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर दिया? यही उसने हमें करने के लिए कहा था. तो क्वेश्चन यहां पर जो उसने पूछा था वो हमने कंप्लीट कर दिया. लेकिन यहां पर मैथमेटिक्स का एक रूल याद रख लें कि जो चीजें सपोज की होती है ना, क्या कह रहा हूं, जो चीजें सपोज की होती है वो आपके रिजल्ट में अगर मौजूद हैं तो आप उनकी वैल्यूज भी फाइंड करके बताएंगे. हमने दो चीजें अपने पास से सपोज की थी जो क्वेश्चन में नहीं थी. यहां पे पुट किया था 12 इज इक्वल टू आर कॉस 5, तो बेटा साइन कॉस तो क्वेश्चन में मौजूद थे, 12 भी क्वेश्चन में मौजूद है, 5 भी क्वेश्चन में मौजूद है, लेकिन आर और ये 5, ये दो वैल्यूज ऐसी हैं जो आपने अपने पास से इंट्रोड्यूस करवाई है. कौन कौन सी? आर एंड 5. तो आपने जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हमारे आंसर तो आ चुका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अगर सपोज की चीजें आपकी आंसर में मौजूद हैं तो आपने उनकी वैल्यूज भी बतानी है. उसका तरीका बताने लगा हूं, ये हमेशा फिक्स रहेगा. ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 है. आर निकालने के लिए आपने स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2 करना है.
आर निकालने के लिए आपने क्या करना है, स्क्वेयरिंग एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू. इक्वेशन नंबर वन और टू को स्क्वेयर ऐड कर लेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी. तो स्क्वेयर ऐड कैसे करते हैं, दो इक्वेशंस को लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वेयर ऐड होगी और राइट हैंड साइड में. तो इधर देखें, लेफ्ट हैंड साइड इधर क्या है 12, इसका स्क्वेयर, इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5, इसका स्क्वेयर, और ये लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड स्क्वेयर ऐड कर दी. अब राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, ये r cos phi का स्क्वेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, r स्क्वेयर cos स्क्वेयर phi प्लस इधर राइट साइड का स्क्वेयर लेंगे तो r स्क्वेयर sin स्क्वेयर phi. तो बेटा मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड स्क्वेयर ऐड कर दी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को स्क्वेयर ऐड कर दिया. 12 का स्क्वेयर लेंगे कितना आ जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वेयर लेंगे 25 इज इक्वल टू, इधर r स्क्वेयर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos स्क्वेयर phi प्लस साइन स्क्वेयर फाइव, आर स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया. अब बेटा 144 प्लस 25 कितना होता है 169 इक्वल टू आर स्क्वेयर एज इट इज आ गया. साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा फॉर्मूला पढ़ा भाई, किसके इक्वल होता है 1 के, तो साइन स्क्वेयर फाइव प्लस कोस स्क्वेयर फाइव 1 के इक्वल हो जाएगा. अब आर की वैल्यू निकाली तो टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, तो 169 का स्क्वेयर रूट लेंगे और आर स्क्वेयर का भी स्क्वेयर रूट लेंगे. स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट जाएगा, 169 का स्क्वेयर रूट होता है 13 और यहां पर आ जाएगा आर, प्लस माइनस नहीं लगा रही, हमेशा आर पॉजिटिव होता है. इट इज अ रेडियस और रेडियस क्या है, एक लेंथ है और लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है. तो आर इज इक्वल टू 13. ये हमने निकाली वैल्यू किसकी, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली आर की जो हमने सपोज किया हुआ था. अब एक फाई रह गया, तो फाई के लिए हमेशा आपने क्या करना है, इक्वेशन टू को वन से डिवाइड करना है, डिवाइडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर टू बाय इक्वेशन नंबर वन. तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी, यानी कि 5 डिवाइड होगा 12 से, और राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी r sin phi डिवाइड होगा किसके साथ, r cos phi के साथ, r cos phi के साथ, r r से कैंसिल हो गया तो 5 ओवर 12 ऐसे लिखा है. sin ओवर cos क्या होता है बेटा 10, साइन ओवर कोस क्या होता है 10 और एंगल क्या है 5. मुझे 5 की वैल्यू चाहिए तो 10 इधर आके इनवर्स बन जाएगा, तो 5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5 ओवर 12. बस इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दो चीजें मैंने सपोज की थी अपने पास से जो हमारे सवाल में मौजूद नहीं थी, r और नंबर 2 पे 5, दोनों की वैल्यूज मैंने फाइंड कर दी. r कैसे निकलेगा, स्क्वेयरिंग एडिंग 1 एंड 2, और 5 कैसे निकलेगी, जब इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे. तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का एक पार्ट मैंने आपके सामने किया है, एक और पार्ट मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, पार्ट नंबर 3. तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा. तो पार्ट नंबर 3 मैं यहां पर कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 को हमने बदलना है जो भी इसका पार्ट है उसको आर साइन प्लस फाइव में, या आर साइन सॉरी आर साइन थीटा प्लस फाइव में, या फिर आर साइन थीटा माइनस फाइव है. तो पार्ट नंबर 3 लिख रहा हूं, पार्ट नंबर 3 है बेटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा. इसको बदलना आपने इस फॉर्म में, ये जो ऊपर लिखी हुई है मैंने, तो मैंने कहा था जो भी साइन के साथ कोफिशियंट है उसको हमेशा आपने आर कोस फाइव लेट करना है, और जो कोस के साथ कोफिशियंट है उसको हमेशा आर साइन फाई लेट करना है. तो यहां पर जिसके साथ कोई कोफिशियंट नहीं होता उसके साथ क्या होता है बेटा, वन मल्टीप्लाई हो रहा होता है. तो यहां पर पुट कर लें वन इज इक्वल टू ये साइन वाले वन को आर कोस फाई, आर कोस फाई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर वन. और कोस वाले वन को क्या सपोज कर लेंगे आर साइन फाई, क्योंकि मैंने कहा था कि जो साइन के साथ कोफिशियंट होगा उसको आपने हमेशा आर कोस फाई, और जो कोस के साथ कोफिशियंट होगा उसको हमेशा आर साइन फाई सब्स्टिट्यूट करना है. अब इन वैल्यूज को जरा ऊपर इक्वेशन में पुट करें यहां पर, तो बेटा वन की जगह क्या लगेगा आर कोस फाई, आर कोस फाई माइनस इस वन की जगह क्या लगेगा आर साइन फाई, अच्छा साथ इसके साइन थीटा भी तो है ना, वन की जगह लग गया आर कोस फाई इंटू साइन थीटा, दरमियान में क्या है माइनस, इस वन की जगह लग गया आर साइन फाई, आर साइन फाई, और आगे क्या है कॉस थीटा.
अब बेटा आर कॉमन आ रहा है, आर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा, तरतीब से लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूला सही समझ आ जाए, साइन थीटा कॉस फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा आर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह थीटा है और बीटा की जगह फाई है, तो देखिए मैंने इसको बदल दिया आर साइन थीटा माइनस फाई में, इसी फॉर्म में उसने बदलने के लिए कहा था। लेकिन यहां पर दो चीजें हमारी सपोज की हुई है, कितनी चीजें सपोज की हुई है, दो चीजें, एक थीटा और दूसरा एक फाई और दूसरा आर, एक आर हमने सपोज किया है जो सवाल में नहीं था और दूसरा फाई हमने सपोज किया वो सवाल में नहीं था, और मैंने कहा था कि आपके आंसर में कभी भी सपोज की हुई चीज नहीं होनी चाहिए, अगर सपोज की हुई चीज आ रही है तो आप क्या करेंगे उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करके बताएंगे। तो आर कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या तरीका बताया था, हमेशा क्या करेंगे स्क्वेयरिंग एडिंग, स्क्वेयरिंग एडिंग इक्वेशन नंबर वन एंड टू, इक्वेशन नंबर वन और टू को स्क्वेयर एड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा आर बन जाएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर ऐड होगी वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड आर स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड स्क्वायर ऐड कर दी राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो बेटा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है वन के, ये वन प्लस वन क्या बन जाएगा टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ये बन जाएगा वन, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर रूट ऑफ टू इक्वल टू आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आर किसके इक्वल आ जाएगा अंडर रूट टू के, तो ये मेरे पास आर की वैल्यू आ गई। अब मैं किसकी बात करने लगा हूं डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर टू बाय वन, फाइव की वैल्यू फाइंड आउट करने लगे, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने लगे फाइव की, तो टू इक्वेशन को वन से डिवाइड करना तो लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी वन डिवाइड होगा वन से, और बेटा यहां पर साइन आर साइन फाइव डिवाइड होगा किसके साथ आर कोस फाइव के साथ, तो बेटा आर आर से कैंसिल हो गया वन डिवाइड बाय वन, वन डिवाइडेड बाय वन वन आ जाएगा, साइन ओवर कोस क्या होता है टेंजेंट और एंगल क्या है फाई, अब टेंजेंट इधर टेंजेंट है इधर आके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा तो फाइनली फाई किसके इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स वन, टेंजेंट इनवर्स वन, तो ये हमारे को फाई की वैल्यू आ गई। वैसे टेंजेंट इनवर्स वन की वैल्यू होती है 45।